नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा पोर्टल, मनरेगा योजना, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया कि अब जो है हमें वसुधा वंदन मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाना है 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, ठीक है, जिसमें हमें वृक्षारोपण कार्य करना है, प्लांटेशन करना है, और 9 तारीख को ध्वजारोहण भी करना है, उसके लिए शिला फलकम भी बनाना है, कई सारी चीज़ें हैं। मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको, आप देख सकते हैं वीडियो पूरा मेरा। तो दोस्तों उसी के संबंध में अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, कोई सा भी कार्य कब होगा, जब हम उसकी मनरेगा पोर्टल पर आईडी बनाएंगे, ठीक है। तो मनरेगा पोर्टल पर जो आईडी बनाना है वो किस तरह से बनाना है वो आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। चूँकि प्योर मनरेगा से कार्य है तो आपको पता है, और बता देता हूँ मैं, कोई सा भी कार्य यदि पूरा मनरेगा से है तो उसकी केवल आईडी मनरेगा पोर्टल बनती है, बाकी टीएसएस के लिए वो जाता है स्वीकर पोर्टल पर, वहाँ से हम उसको टीएसएस डाउनलोड भी कर सकते हैं, टीएसएस रजिस्टर भी रहता है, तो उसके बाद फिर जो है वो भुवन ऐप पर दिखता है, ठीक है। और यदि आपका कन्वर्जेंस से कोई सा वर्क है, मान लीजिए 15 से जुड़ा हुआ है आपका मनरेगा के साथ, तो फिर पूरा काम टीएसएस और डीपीआर सब चढ़ाना हमें मनरेगा से ही पड़ता है। तो ये प्योर मनरेगा काम है, इसलिए हमें केवल आईडी बनाना है, उसके बाद जो कार्य होगा वो स्वीकर पोर्टल पर इंजीनियर महोदय द्वारा होगा, टीएसएस का सारा कार्य, तो उसके बाद फिर हम भुवन ऐप से फोटो खींचकर मस्टर निकाल सकेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो दोस्तों जो वसुधा वंदन मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत जो प्लांटेशन की वर्क आईडी किस तरह से बनाना है वो पूरा आज इसमें देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, हमें मनरेगा पोर्टल की वेबसाइट ओपन करना होगा। वेबसाइट क्या किस तरह से होगी, narega.nic.in, narega.nic.in जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मनरेगा पोर्टल का जो होम पेज आ जाएगा। आप बाकी वीडियोज़ भी मेरे पॉडकास्ट और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी हम सीधे डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको डाटा एंट्री, यहाँ जैसे ही माउस को ले आते हैं तो सारे स्टेट्स ओपन हो जाते हैं। इसमें आपको आपका स्टेट जो है वो सेलेक्ट करना है, जो भी राज्य है आपका उसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके समक्ष कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्टेट लिखा है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है आपको आपकी ग्राम पंचायत का, और सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री इस तरह से आ जाएगी। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी आता है, जो इस कॉल करके हुए जो टेक्स्ट जा रहा है कि वेज लिस्ट कैन बी जनरेटेड इन मिक्स्ड मोड एबीपीएस अकाउंट बेस्ड, टिल 31 अगस्त 2023, 31 अगस्त तक अभी अकाउंट बेस्ड भी हो रहा है और एबीपीएस, फिर उसके बाद केवल एबीपीएस के माध्यम से ही होगा, ठीक है। चलिए तो हमें अभी क्या करना है, हमें वसुधा वंदन के अंतर्गत जो है आईडी जनरेट करना है प्लांटेशन की, वृक्षारोपण की, जो 75 पौधे हमें लगाना है, 75 जो प्लांट्स लगाना है। मैंने आपको पूरा वीडियो बनाकर बता भी दिया है किस किस तरह से पूरा रहेगा हमें जो कार्य करना है, तो उसकी आईडी किस तरह से बनाना है वो आज हम देख रहे हैं। तो हमें दोस्तों यहाँ से सीधे चलना है ऑप्शन पर D4 पर, है ना, D4 पर हम चलेंगे वर्क्स वाले ऑप्शन पर। वर्क्स में अब हमें कहाँ चलना पड़ेगा दोस्तों, इसमें वर्क्स में हमें अभी सबसे पहले जहाँ चलना होगा वो रहेगा ड्राफ्ट प्रूफिंग, ठीक है। तो हमारा चूंकि प्लांटेशन है, वृक्षारोपण है, तो ड्राफ्ट प्रूफिंग पर हम क्लिक करेंगे, तीसरी ऑप्शन पर है ड्राफ्ट प्रूफिंग, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। ये मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें फिलअप करनी होगी। वित्तीय साल तो जो है 2023-24 रहेगा। प्राथमिकता आपको ज़रूर सेलेक्ट करनी है, किस प्राथमिकता पर आप कार ले रहे हैं। प्रस्ताव की तारीख जरूर लिखना है, एस्टिमेट पर्सन डेज, एस्टिमेटेड कास्ट ये जरूर लिखना है। इसके बाद कार्य का नाम, जिस जगह पर आप कार्य ले रहे हैं वसुधा वंदन का, मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत कार्य किस्म, तो यह सब हम लिखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आपकी जो भी ग्राम पंचायत है वो लिख सकते हैं, जो भी आप कैसे, मान लीजिए हमारे यहाँ छोटा तालाब है अमृत सरोवर, तो उसमें अमृत सरोवर का भी हिंट कर सकते हैं हम, वो पूरा लिख सकते हैं कि अमृत सरोवर छोटे तालाब पर वसुधा वंदन जो है उसके अंतर्गत प्लांटेशन कार्य है, तो वो ऐसा इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। कार्य किस्म क्या आएगी, ठीक है। अच्छा इसमें आप थोड़ा कम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1000 में लिखना है या परसेंटेज, जैसे 0.16 लिखा है, एस्टिमेट कार्य 0.55, इसमें कुछ करेक्शन भी करना होगा तो ये इंजीनियर महोदय कर सकते हैं, क्योंकि ये आईडी जाएगी स्वीकर पोर्टल पर, जो प्योर मनरेगा योजना से जो कार्य स्वीकृत होते हैं वह कार्य सीधे स्वीकर पोर्टल पर जाते हैं, और वहाँ से जो है इंजीनियर महोदय टीएस करते हैं,
वो फिर हम एस कर कर जो है उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ऑनलाइन है इसलिए इसमें आप कुछ यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर महोदय उसका सुधार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कार्य किस्म क्या आएगी, यहाँ कई सारी चीज़ें दी हैं तो हम लिखेंगे प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गांव आप सेलेक्ट कर लें, जो आपका गांव है, यदि मान ली तीन गांव किस गांव में कर रहे हैं वो कर लें। पंचायत डिक्लेयर फॉर जीआईएस प्लान यस, यहां भी यस करना है। कंफर्म करंट वर्क इज रिलेटेड टू जीआईएस प्लान यस। खाता संख्या प्लाट संख्या है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड भी कोई कंपलसरी नहीं है। वर्तमान स्थिति, इसमें हमें नॉन एग्जिस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है कार, अब चूंकि नॉन एग्जिस्ट है सबसे पहले ही कार ले रहे हैं हम, तो नॉन एग्जिस्ट पर क्लिक करेंगे। प्रस्तावित स्थिति, तो प्रस्तावित स्थिति क्या है इसमें, तो इसमें हम पहले ले सकते हैं ब्लॉक प्लांटेशन इन फील्ड्स है ना, और हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी, इस पर ही क्लिक कर सकते हैं, हमने कर दिया। इसके बाद दोस्तों जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर, ये कर दिया क्लिक, इसके बाद यहाँ आएगा टोटल प्लांट्स प्लांटेड नंबर है ना, कवर्ड जो है हेक्टेयर में आपको लिखना है कितने एरिया लेगा। फिर जैसे यहाँ 75 पौधे ले रहे हैं तो टोटल प्लांट्स नंबर प्लांट जो है प्लांटेड 75 एरिया कवर्ड एक हेक्टेयर एरिया विल बी कवर्ड एक हेक्टेयर ही। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सब परमिशन वर्क टाइप, तो इसमें क्या आएगा, तो हम इसमें पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं मोरिंगा प्लांट इन कम्युनिटी लैंड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वे दे आर असाइन टू एसएजी क्या स्वयं सहायता समूह को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक कार्य दिया गया तो नो नहीं दिया गया है, तो यहाँ नो कर देंगे, सब ऑप्शन हट जाएंगे। कार्य निष्पादन फिर ग्राम पंचायत ही रहेगी, कार्य निष्पादन एजेंसी यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत। ठीक है, कई सारी चीज़ें रहेंगी, ग्राम पंचायत ही करेगी। कार्य की स्थिति अप्रूव्ड पर क्लिक करना होगा। कार्य शुरू करने की तारीख, कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख, तो प्रस्तावित तारीख डालने, जैसे मैंने आज की तारीख डाल दी है 5/8/2023। ठीक है, क्या विभाग योजना शामिल है रहने दें, क्या संदर्भ योजना शामिल है इसको नो ही रहने दें। वेदर वर्क इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान नो। इज इट ए रेलवे रिलेटेड वर्क, तो ये भी नो रहने दें। विल दिस वर्क स्प्लिट टू नेक्स्ट ईयर, क्या नए साल अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, तो नो। इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क अदर देन मनरेगा, तो ये नो रहने दें, इसको यस मत कर देना दोस्तों। यदि इसको यस कर दिया तो ये सिक्योर पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जब भी कन्वर्जेंस वर्क जो रहता है वह यहीं से पूरी आईडी बनती है, उसकी टीएसएस डीपीआर सब फ्रीज होती है यहीं से, यदि कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब कि अभिसरण है दूसरी योजना से भी, मान लीजिए 15वें आयोग भी है, स्वच्छ भारत मिशन भी है, उसके साथ मंडयाकार है, तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ता है कन्वर्जेंस वर्क, तो और उसकी आईडी पूरी यहीं बनती है, सारा कार्य यहीं होता है, टीएसएस डीपीआर सभी चीज़। लेकिन यदि प्योर मनरेगा से, केवल मनरेगा योजना से ही काम हो रहा है तो ये कन्वर्जेंस वर्क नहीं होता, इसलिए इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क, तो नो। अब ये आईडी जो बन के जाएगी, ये जाएगी सिक्योर पोर्टल पर, सिक्योर पोर्टल पर जैसे ही जाएगी तो वहाँ से इंजीनियर महोदय उसके टीएस करेंगे, वहीं से एस होगी, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और अभी आगे वीडियो बनाकर बता दूंगा सिक्योर पोर्टल पर किस तरह से हम टीएस एस पूरा रजिस्टर देख सकते हैं सिक्योर पोर्टल पर, वो सब देख लेंगे। तो चलिए, सेंक्शन वर्क कोड इफ एनी पहले से कुछ है तो वो डालें, नहीं तो अपने आप कार्य सहित यहाँ पर कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी दोस्तों हमने फिलिंग कर चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। चलिए मैं करता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको एक एरर आ सकती है कि वर्क प्रपोज डेट इज़ नॉट इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो 2023-24 है, तो आपको प्रस्ताव की तारीख जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद ही लेना है। आप जो है 14 तारीख को जो ग्राम सभा होती है उसमें ले सकते हैं, 14/4/2023 है ना, जो भी है प्रस्ताव की तारीख आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेना, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद लेना है। ठीक है, तो ये ले लिया है, इसके बाद हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ आ गया, वर्क हैज़ क्रिएटेड एंड दिस वर्क कोड विल बी अवेलेबल इन सिक्योर फॉर TSASFS। वर्क कोड ये बन गया है दोस्तों हमारा 1743003011/DP/22012031209198 है ना, तो ये बन गया। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, अब ये होगा इंजीनियर महोदय के लॉगिन पे पहुंच जाएगा और वहाँ से वो TSAS कर देंगे, हम फिर उसको किस तरह से TSAS रजिस्टर से डाउनलोड कर सकेंगे पूरी डिटेल, वो मैं आपको तुरंत अगले वीडियो बनाकर, जैसे ही हमारी हो जाएगी TSAS तो आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, उस तरह से हम वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं और PDF में भी सेव रख सकते हैं। तो इतना काम है दोस्तों, आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश पूरे हर राज्यों के लिए है ये कार्य, कोई प्रत्येक राज्य के लिए है ना, वसुधा बंधन अभियान जो चल रहा है 9 अगस्त से 23 अगस्त तक, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कर रख लें। ठीक है, तो ये नोट करके जरूर रख लें आईडी आप
कॉपी पेस्ट कर लें, अपने पास रख लें या लिख कर रख लें, इसके बाद वापस होम पेज पर आ जाएं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों, सिंपल सी प्रोसेस, आप जरूर जल्दी जल्दी कर कर रख लें, क्योंकि 9 तारीख से हमें ध्वजारोहण भी करना है इसी जगह पर जहाँ हम कार्य कराने जा रहे हैं, वृक्षारोपण करना है, और भी वीडियोज़ भी अपलोड होंगे ऑनलाइन, वो किस तरह से होंगे वो भी बता दूंगा। तो ये इतना सा कार्य ये करके रख लें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैं प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है दोस्तों। और आप शिक्षा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं यदि चैनल को, तो UPI के माध्यम से ज्वाइन बटन या सुपर थैंक्स जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।